नालों में सफाई का अभाव, रस्तों पर बिजली का अभाव, कचरा बनी समस्या, लोग करें फरियाद, जल्द मिले निजात। हमारी खास पेशकश वार्ड रिपोर्ट में मुंबई के 27 वार्डों की रूपरेखा पेश करने के बाद हम पहुंचे मुंबई के कांदिवली इलाके के वार्ड नंबर 28 में। आमतौर पर कहा जाए तो स्थानीय स्तर पर वार्ड में कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो अभी भी आधे अधूरे हैं और उनको लेकर जनता की शिकायत भी बनी हुई है। पहली समस्या है नालों की साफ सफाई ठीक से और समय से ना हो पाना, जिसके चलते लोगों को गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और लोग बीमारी का भी शिकार होते हैं। साथ ही इलाके में कचरा पेटी तो है, लेकिन सही समय पर कचरा नहीं उठाए जाने की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि बीएमसी के कर्मचारी सही तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं देते, जिससे ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इधर सारा वर्ग ये आम्ही इधर बसवत नहीं, सारा वास ये इधर आने लोग काम करीत नहीं, एवडी घाण है, एवडी आम रोज साफ करा लगती। हाँ मजे किडनी दिशते तुम्हारा माजी किडनी को नहीं ये ये भी आम पैसे का लगते। जो विजिट भी नहीं करते जो यहाँ पर नहीं नहीं कधी केलं तर ते पैसे मागते। गटर फुटलेलं असतं आणि मच्छर वगैरे येतात, आमची इथं मच्छर चावतात आणि वास मारतो आणि पावसा नाही अभि तक नाही उगाय था, लेकिन लोक आहे ते इधर किया नाही काम अकर गए पर काम हुआ नहीं। कितने बार बोलो नगर सेवक को यही समस्या, फिर आगे बारिश में क्या तकलीफ होती है? बारिश पानी भर देता है ऊपर, पानी आता है कचरा कभी कभी उठाते नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, पूरा रोड पे कचरा आ जाता है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होता है। ये तो काफ़ी समय से यहाँ पर जो एक्शन लेने वाली टीम है उन्होंने कुछ नहीं, वो लेते एक्शन पर क्या, वो जो आगे वाले काम करने वाले नहीं करते उसके लिए क्या करेंगे? अभी जो ये बालाजी रोड पे जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे कभी बीएमसी वाले आए, कभी झाड़ू मारने वाले नहीं आए। यहाँ पे जो कचरा पेटी है, कचरा पेटी में रैबिट गिरता है, रैबिट कभी कोई उठाने को नहीं आता है। सिर्फ नगर सेवक को बोलेंगे हम लोग, सिर्फ बोलेंगे फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, हम लोग देखते। रोड पे जो लाइट लगाया है, सिर्फ लाइट लगाया है, उसके बाद में कोई कुछ उसका कोई कुछ देखे ही नहीं, मेंटेनेंस नहीं, कभी चालू होता है कभी बंद रहता है। वो वाचनालय हमारे अतुल भातखड़कर जी ने बना के दिया है, उसमें कभी एक भी पेपर कभी डाला नहीं किसी ने, बस खाली जाली मार के रखा है दारू पीने के लिए लड़के लोग को। अभी वो नशा करने वालों का घर बना, हाँ सब गांजा पीने वाले दारू पीने वाले सब बैठे रहते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं, कचरा पेटने वाले खाली भी सुबह बीएमसी वाले आते हैं। हालांकि यहां के कांग्रेसी नगर सेवक राजपति यादव के अपने दावे हैं और विश्वास है कि इन समस्याओं को भी सुलझा लिया जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा काम हुआ, जो मैंने कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, लोगों से वचन दिया था कि मैं काम करूंगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करीब करीब 70-80% बड़े बड़े काम मैंने पूरा किए। आपका सबसे पहला सवाल था गटर का, गटर जो टूटी हुई है उनको रिपेयरिंग करने का काम चालू है, काफ़ी जगह रिपेयरिंग कर दिए हैं और काफ़ी जगह का काम चालू है और इस अभी भी काम चालू है, उसको रिपेयरिंग करेंगे, जो गटर की समस्या है खत्म हो जाएगी। इलाके में शौचालय की साफ सफाई जैसी शिकायत भी लोगों से सुनने को मिली। वहीं लोगों की शिकायत है कि सड़कों और बस्तियों में बिजली के खंभे तो लगे हैं, लेकिन रात के समय वो जलते ही नहीं, जिसके चलते रात के समय असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है और सुरक्षा के लिहाज से खतरा बना रहता है। लोग कुछ और समस्या की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है। मानसून के समय इन निचले इलाकों में घरों में पानी भरना भी एक बड़ी दुश्वारी का सबब बन जाता है। अगर लाइट दिएगा तो हम लोग को अच्छा रहेगा, बाकी के सारा काम तो हो चुका है, लेकिन लाइट चाहिए हम लोगों को। इधर पानी का प्रॉब्लम है काफी लोगों को। अच्छा, लाइट, लाइट का जो आपने बताया उसमें रात में क्या उसकी समस्या है? मतलब सब लोग लाइट जो बंद कर देते हैं ना, तो इधर एकदम अंधेरा सन्नाटा हो जाता है, तो कभी मतलब फायदा कौन उठाता है जो यहाँ पर जो नशा करते हैं? नहीं मतलब ऐसे नहीं, लेकिन डर लगता है ना देखने के लिए बाहर कि कैसे देखेगा, लाइट नहीं है तो भाई यही डर है कि हम लोगों को कैसे देखेगा। अगर लाइट होता तो हम लोग देख पाते थे कि भाई चलो देखेगा तो सही कौन है कौन। रात में अंधेरा तो होता है, इधर लाइट नहीं इसकी वजह से, और रात को तो अभी ये नाला बिला बना है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। इधर चोर भी आते है, आधी रात को हमको मालूम पड़ता है चोर आते, इधर भागते रहने का भी आवाज आता है। एक दो बार ऐसा हो भी गया मतलब कि इधर प्रॉब्लम चोरी हो गया था। हाँ ये वही स्मोकिंग वाले सब घूमने का उनका तो अच्छा हो। हाँ आने लगते, एक दो बार हम लोग ने डांटा भी है नशे वाले को भी। अगर पानी बारिश ज़्यादा गिरती है तो पानी सबके घर में भर जाता है, तो घर में जो सामान है उसका सब नुकसान हो जाता है, और हर बार तो किसी को बोल नहीं सकते, तो इसीलिए वो
सॉल्व होना चाहिए। बारिश का जो जो तैयारी करते हैं कि गटर साफ करना, तो इसकी जो और कहीं पर कुछ हुआ है? हाँ, अभी गए साल बारिश हुआ तो दो दो बार घर में पानी आया था, तो घर में जो सामान है उसका नुकसान हो जाता है। ते लोखंडवाले म्हणजे तिकडे न जाता ना ते पाणी इकडनं फिरतं सगळं, आणि ह्या बाजूने बालाजी इंडस्ट्रीमधून जे सगळं पाणी येतं ना ते आमच्या पूर्ण घरात शिरतं कम्प्लीट। उपले कुछ उपाय नहीं किया उन्होंने, बोले लोखंडवाले ने वो अपना इधर नहीं आना चाहिए बोल के वो पानी हम लोग का अमर के इधर घुमा देता है कम्प्लीट। बाथरूम के लिए भी समस्या है, उसको जिस तरह क्लीन होना चाहिए क्लीन वाला तो करके जाता है, लेकिन पब्लिक ऐसी है कि उसको बिगाड़ के छोड़ते हैं, तो ये चीज़ को हटाना चाहिए। और यहाँ जो जैसे कि देख रहे हो पानी भी भरता है बारिश के वक्त, और ये सोल्यूशन होना इसको भी ठीक करना चाहिए। हाँ जो कचरा भरा रहता है, हाँ जो नाली रहता है, तो उसका हाँ कचरा उठाने का काम होता नहीं है यहाँ पर? होता है लेकिन वो करके जाते हैं, लेकिन पब्लिक को भी तो सोच समझ के चलना चाहिए। करते हैं नगर सेवक भी अपने काम करते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन पब्लिक को भी तो उसका सपोर्ट करना जरूरी है ना। ढापा बरोबर पाहिजे आणि बाथरूम साफ पाहिजे और पानी का सुविधा चाहिए बस। लेडीज लोग ज़्यादा गंदी करती है, उनका कोई धोने वाला अच्छा आदमी चाहिए। इस पर भी नगर सेवक जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाते हैं। और सबसे बड़ा काम जो आधे आधे घंटे के बारिश में गए साल डूब रहा था, जो समर थोड़ी में सुरक्षा दीवाले नाले पे बनाने का काम शुरू किया हूँ, नौरंगवाड़ी की तरफ सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू, जो समर थोड़ी का ब्रिज है वो ब्रिज पास करवाया हूँ, उस ब्रिज को तोड़ करके वो ब्रिज को चौड़ा बनाएंगे, जिससे हनुमान नगर की जो पीछे की बस्ती डूबती है वो बस्ती नहीं डूबेगी। इस तरीके से जो मैंने कमिटमेंट किया था, लोगों से वादा किया था, 80% काम पूरा कर दिया। अब देखना होगा कि जनता की इन गंभीर समस्याओं पर नगर सेवक कब तक कार्रवाई करते हैं ताकि उनकी जनता को इससे राहत मिल सके। न्यूज स्टॉक लाइव के लिए रोशन सिरके की रिपोर्ट। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। Global advertiser for innovative outdoor solution.